मोहम्मद शमी पर फिक्सिंग के आरोप पर बड़ा खुलासा। पत्नी हसीन जहां ने लगाए थे फिक्सिंग के आरोप। पाकिस्तान के अलिश्पा पर शमी को पैसे देने का आरोप। लंदन के मोहम्मद भाई पर पैसे शमी तक पहुंचाने का आरोप। अलिश्पा फिक्सिंग का आरोप गलत बता चुकी हैं। अब पहली बार सामने आए हैं लंदन के मोहम्मद भाई। शमी पर फिक्सिंग के आरोप का सच सामने आएगा। शमी पर बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, पहली बार कैमरे पर बोलेंगे मोहम्मद भाई। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने जिन मोहम्मद भाई के साथ मिलकर शमी पर फिक्सिंग करने के आरोप लगाए थे, आज वो मोहम्मद भाई खुद सच बता रहे हैं। समाचार प्लस चैनल से बातचीत में मोहम्मद भाई ने फिक्सिंग के हर आरोप को गलत बताया है, लेकिन मोहम्मद भाई ने बड़ी बात यह कही है कि वो इंग्लैंड में मोहम्मद शमी और हसीन जहां से मिल चुके हैं। मोहम्मद भाई ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तानी लड़की अलिश्बा को नहीं जानते। मोहम्मद शमी की पत्नी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे मैच फिक्सिंग के। जिस मोहम्मद भाई के साथ मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए, वो मोहम्मद भाई अब सामने आए हैं और हर आरोप को वो नकार रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये माना कि वो मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी से मिल चुके हैं। मोहम्मद भाई का जिक्र क्यों और कैसे आया? शमी की पत्नी का मोहम्मद भाई पर क्या आरोप है? मोहम्मद भाई हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले फटाफट शमी की पत्नी हसीन जहां का वो बयान देख लेते हैं जहां से पूरे विवाद में मोहम्मद भाई की एंट्री हुई। आपके दिमाग में पाकिस्तान का नाम क्यों आया? क्योंकि अलिश्बा पाकिस्तान कराची की लड़की है, वो शमी उसे बुलाता है, उसके लिए रूम बुक करता है, उसके साथ रिलेशन करता है। फिर शमी ये बताता है कि अलिश्बा ने शमी को पैसे दिए, मोहम्मद भाई ने, जो यूके में रहते हैं मोहम्मद भाई, वो अलिश्बा से पैसे शमी को दिलवाए। किस चीज़ का पैसा, क्या है नहीं है, ये मुझे कुछ नहीं पता आज तक, और शमी ने मुझे कुछ भी नहीं। मोहम्मद भाई ये नाम कई दिनों से पहेली बना हुआ था। हसीन जहां ने मोहम्मद भाई नाम के शख्स पर शमी को पैसे देने का आरोप लगाया। फिक्सिंग के हर आरोप का जवाब आज खुद मोहम्मद भाई देंगे। कौन है मोहम्मद, कहां रहता है, क्या करता है, खुद उसी से सुनिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद हांसलोट है। आप कहां रहते हैं मोहम्मद भाई? जी, वैसे मेरी पैदाइश इंडिया सूरत में है और मैं रहता हूँ इंग्लैंड के अंदर। करीबन 25 साल से ऊपर से मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ और वहाँ का मैं रिहायशी हूँ। मोहम्मद भाई, आप क्या करते हैं, आपका क्या कारोबार है लंदन में, और आप कब से हैं लंदन में? मैं लंदन में करीब 25 साल से भी ज्यादा से हूँ। मेरा छोटा सा कारोबार है, मैं मोबाइल फोन का छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, जिससे हक हलाल की कमाई से मैं पैसे कमाता हूँ और उसी से अपना गुजारा चलाता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा सा घर है, छोटे बीवी बच्चों के साथ खुशी से हलाल की रोजी से अपना गुजारा चलाता हूँ। तो सुना आपने, मोहम्मद भाई का पूरा नाम मोहम्मद हांसलोट है, वो लंदन में रहता है, छोटा बिजनेस चलाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल है कि मोहम्मद भाई मोहम्मद शमी के संपर्क में कैसे आया, मोहम्मद शमी से उसके क्या रिश्ते हैं? मैं उनको जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं उनको? बस जैसे एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को प्रदेश में क्या रिश्ता होता है, तो क्रिकेट का मैं प्रेमी हूँ और क्रिकेट का मैं फैन हूँ। जैसे दुनिया उसको जानती है, वैसे मैं भी ऐसे फैन उनको जानता हूँ। आपकी मुलाकात बहुत अच्छे इंसान है। आपकी मुलाकात मोहम्मद शमी से कहाँ हुई पहली बार? इंग्लैंड में ही कुछ मैच दौरान हमारी हुई थी वहाँ पे। इंग्लैंड में कब आए थे मोहम्मद शमी, कोई कुछ याद है आपको थोड़ा, कि उनसे कब मुलाकात हुई थी? मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से जिस वक्त हसीन जहां भी आई थी इस टूर के ऊपर मैच के लिए, उस वक्त वो आए थे और उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। तो लंदन के रहने वाले मोहम्मद भाई ने बताया कि वो शमी से इंग्लैंड में हुए मैच के दौरान मिला और संबंध अच्छे होते चले गए। लेकिन एक सवाल यह भी है कि हसीन जहां मोहम्मद भाई को कैसे जानती है, क्या वो कभी मोहम्मद भाई से मिली, क्या मोहम्मद भाई कभी हसीन जहां से मिला? आज वो सारी बातें खुद बताएगा, सीधे लंदन से एक्सक्लूसिव। देखिए, मोहम्मद शमी के साथ उनकी मेरी मुलाकात हुई थी, वो आए थे वहां पे जब इंग्लैंड में पहली मर्तबा, तो
तो मैं उनके साथ शमी के द्वारा उनसे मुलाकात हुई, वो मुझे भैया बुलाती थी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ और इज्जत करता हूँ, क्योंकि एक जब आप बहन आपको भैया करके बुलाती है तो बाकी के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जब वो जब भी उनको कहीं जाना होता था मैं खाने के लिए या किसी भी तरह से, तो मैं उनको बाहर ले जाता था अपना टाइम निकाल के, यहाँ पे मैं बिजी रहता हूँ अपने काम के लिए, छोटा मोटा काम होता है, तो फिर भी वो अपना टाइम निकाल के उनके पास जाता था, उनको खिलाता था, उनके साथ हम खाते थे और घूमने भी ले जाता था। तो और बाद में ऐसा हुआ कि जब वो इंग्लैंड से जाने वाली थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ उनको एयरपोर्ट पे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। और अब बात उस आरोप की जो मोहम्मद भाई पर हसीन जहां ने लगाया है। फिक्सिंग का आरोप ऐसा है जिसकी वजह से मोहम्मद शमी का करियर दांव पर लगा हुआ है। क्या शमी और मोहम्मद भाई के बीच पैसों का कोई लेन देन हुआ? क्या अलिश्बा से पैसे लेकर मोहम्मद भाई ने शमी को दिए? हसीन के आरोपों की सच्चाई क्या है, सुनिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, न किसी को पैसे दिए, न कभी कोई फिक्सिंग की बात की है। मैं छोटा मोटा आदमी हूँ कि मेरे साथ मेरा ऐसा वैसा कोई चीज कोई कनेक्शन किसी के साथ नहीं है। मैं हक हलाल की रोटी कमाता हूँ, उससे अपना घर परिवार चलाता हूँ, मुझे ऐसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और दुनिया की किसी भी जांच एजेंसी BCCI की या अपने एंटी करप्शन की कोई भी किसी भी तरह से कभी भी जांच कराना चाहे, किसी भी तरह से कोई भी नार्कोटिक टेस्ट के द्वारा या लाइट डिटेक्टर टेस्ट के द्वारा, मैं हर तरह से लिए उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं और मैं पूरी तरह से उनको सहयोग करूंगा। अगर वो इंग्लैंड आना चाहे तो मैं उनको खुद अपने आप एयरपोर्ट पे जाके उनको रिसीव करूंगा और 100% उनको ये साथ दूंगा, क्योंकि ये बात जो मैच फिक्सिंग से है ये इंडिया की है, हिंदुस्तान का है, मेरे अंदर भी हिंदुस्तानी खून है। मैं अपने तिरंगे को कभी भी नीचे गिरने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तो सुना आपने, बड़ी बात यह कि खुद पर लगे हर आरोप को नकार रहे हैं मोहम्मद भाई और ये भी कह रहे हैं कि वो किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी लड़की अलिश्बा को लेकर मोहम्मद भाई ने कहा कि वो ऐसी किसी लड़की को नहीं जानते, ना ही उससे कोई पैसे लिए। बात यह है कि अलिश्बा नाम मैंने पहली मरतबा अपनी जिंदगी में ये मीडिया द्वारा सुना। ये नाम इंडिया के अंदर भी अपने मुसलमानों के अंदर ही अलिश्बा नाम होता नहीं है, ये इंग्लैंड में भी नहीं कभी सुना, ये पहली मरतबा मैंने सुना ये मीडिया के ऊपर। न मैं अलिश्बा को जानता हूँ, न मैं जिंदगी में कभी उनसे मिला हूँ, न कभी पाकिस्तान गया हूँ, न कभी मेरा किसी भी तरह से उनसे ताल्लुक है। और मैं मुझे तो ये बात सोच के भी हैरानी होती है कि मेरा नाम उसके साथ किस तरह से जुड़ा है। तो मोहम्मद भाई ने कई बड़े खुलासे किए हैं, एक बार जल्दी से नजर डालते हैं उनके बड़े खुलासों पर। क्या क्या खुलासे किए हैं लंदन के मोहम्मद भाई ने, बड़ी बातें आपको बताते हैं। मोहम्मद शमी और हसीन जहां से इंग्लैंड में मिल चुके हैं। हसीन जहां उन्हें भाई कहती थी वो लंदन में मिली थी। शमी पर फिक्सिंग के आरोप गलत, कभी पैसे नहीं दिए, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। अलिश्बा को नहीं जानता, ये नाम पहली बार सुना है। अलिश्बा वो पाकिस्तानी लड़की जिस पर पैसे देने के आरोप लगाए, उसे मोहम्मद भाई ने कहा है कि वो नहीं जानते। पहली बार कैमरे पर आए हैं मोहम्मद भाई, क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने जिन मोहम्मद भाई के साथ मिलकर शमी पर फिक्सिंग करने के आरोप लगाए थे, आज वो मोहम्मद भाई खुद सच बता रहे हैं। समाचार प्लस चैनल से बातचीत में मोहम्मद भाई ने फिक्सिंग के हर आरोप को गलत बताया है, लेकिन मोहम्मद भाई ने बड़ी बात यह कही है कि वो इंग्लैंड में मोहम्मद शमी और हसीन जहां से मिल चुके हैं। मोहम्मद भाई ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तानी लड़की अलिश्बा को नहीं जानते। बड़ी बातें आपको बताते हैं एक बार फिर से, क्या क्या कहा है मोहम्मद भाई ने। हसीन जहां उन्हें भाई कहती थी और वो उन्हें लंदन घुमाने के लिए लंदन घुमाया था। शमी पर फिक्सिंग के आरोप गलत हैं, कभी पैसे नहीं दिए, ये बड़ी बात उन्होंने कही। अलिश्बा को नहीं जानता, ये नाम ही उन्होंने पहली बार सुना है। अलिश्बा वो पाकिस्तानी लड़की है जिसका जिक्र हसीन जहां ने किया था। और एक बार फिर आपको दिखाते हैं शमी पर फिक्सिंग के जो आरोप लग रहे हैं उन पर मोहम्मद भाई ने क्या कहा है। मोहम्मद भाई पर हसीन जहां ने आरोप लगाया है कि उन्होंने लंदन से शमी को पैसे भिजवाए और पाकिस्तानी लड़की अलिश्बा ने पैसे दुबई में शमी को दिए। क्या कहना है मोहम्मद भाई का, देखिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, न किसी को पैसे दिए, न कभी कोई फिक्सिंग की बात की है। मैं छोटा मोटा आदमी हूँ कि मेरे साथ मेरा ऐसा वैसा कोई चीज कोई कनेक्शन किसी के साथ नहीं है। मैं हक हलाल की रोटी कमाता हूँ, उससे अपना घर परिवार चलाता हूँ, मुझे ऐसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और दुनिया की किसी भी जांच एजेंसी
बीसीसीआई की या अपने एंटी करप्शन की कोई भी किसी भी तरह से कभी भी जांच कराना चाहे, किसी भी तरह से कोई भी नार्कोटिक टेस्ट के द्वारा या लाइट डिटेक्टर टेस्ट के द्वारा, मैं हर तरह से लिए उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं और मैं पूरी तरह से उनको सहयोग करूंगा। अगर वो इंग्लैंड आना चाहे तो मैं उनको खुद अपने आप एयरपोर्ट पे जाके उनको रिसीव करूंगा और 100% उनको ये साथ दूंगा, क्योंकि ये बात जो मैच फिक्सिंग से है ये इंडिया की है, हिंदुस्तान का है, मेरे अंदर भी हिंदुस्तानी खून है। मैं अपने तिरंगे को कभी भी नीचे गिरने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तो फिक्सिंग के हर आरोप को नकार रहे हैं मोहम्मद भाई। वहीं शमी की पत्नी हसीन जहां के आरोपों में पाकिस्तानी लड़की अलिजबा का भी जिक्र है। 3 दिन पहले अलिजबा भी सबके सामने आई थी। पाकिस्तानी लड़की अलिजबा ने शमी पर लगे फिक्सिंग के आरोप पर क्या कहा था, सुनिए। मैं बिल्कुल सच पर हूँ, मैं सच का साथ दूंगी और मैं बिल्कुल हक पर हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को और मजीद इन्वेस्टिगेट करना है तो आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद मैच फिक्सिंग। तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हूँ और इससे जब मुझे पता है कुछ ऐसा है ही नहीं, पहली बात तो ये है। बहुत शेमफुल चीज थी मेरे लिए ये कि ये हमारी दोस्ती को ये मतलब फिक्सिंग का जोड़ा कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर उन्होंने पैसों का जिक्र भी कर दिया तो ये उन्होंने फिक्सिंग तक कैसे पहुँचा दी बात, दोस्ती को खुदा के लिए आप लोग फिक्सिंग से मत जोड़िए। और अब आपको सुनाते हैं मोहम्मद शमी का बयान। फिक्सिंग और बेवफाई के कटघरे में खड़े शमी पहले दिन सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं। मोहम्मद भाई को लेकर उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। इनकी हैबिट हो चुकी है, आप बहुत सारे इंटरव्यूज आप देख चुके हैं, जैसे मोहम्मद भाई का ही एग्जांपल आपने दिया है, आप उसको खुद देख चुके हैं कि एक दिन तो वो कहती हैं कि वो फरिश्ता हैं, नमाज नहीं छोड़ सकते, आप देख सकते हैं उनके इंटरव्यूज। उसके अगले दिन आप कहती हैं मैं एक्स फिक्सर हैं। थर्ड डे आप कह रहे हो कि आप जैसे आप अभी बोले कि सेक्स रैकेट चलाते हैं। तो अगर ये सब है तो आप क्या कर रहे थे उनके घर, क्यों उनके साथ आप एयरपोर्ट से घर जाते हो, उनके घर पे रुकते हो, शॉपिंग करते हो उनके साथ डेली डिनर पे जाते हो, इवन आप जब वापस आते हो तो उनकी ही कार से एयरपोर्ट आते हो। तो एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत शमी की आपने सुनी। पहले ही दिन से वो अपने आप पर लगे हर आरोप को नकार रहे हैं, लेकिन अब मोहम्मद शमी पर लगे फिक्सिंग के आरोपों को लेकर हुआ है ये बहुत बड़ा खुलासा। सामने आए हैं लंदन के कारोबारी मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई वही शख्स है जिस पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया मोहम्मद शमी की पत्नी ने। मोहम्मद शमी के साथ मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया मोहम्मद भाई पर। फिक्सिंग के आरोपों को उन्होंने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वो शमी को जानते हैं, उनकी पत्नी और शमी से वो मिल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी लड़की अलिजबा को वो नहीं जानते। अलिजबा वही लड़की है जिसका जिक्र हसीन जहां ने किया था। हसीन जहां के हर आरोप पर जवाब दिया है मोहम्मद भाई ने, जो कि लंदन में रहते हैं। पाकिस्तान की अलिजबा को वो नहीं जानते, ये बड़ी बात उन्होंने कही, और हर आरोप को उन्होंने गलत बताया है। मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी ने मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। मोहम्मद भाई के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। लंदन में रहते हैं मोहम्मद भाई और उन्होंने पहली बार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। मोहम्मद शमी की पत्नी के हर आरोप का उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि उन पर लगा हर आरोप गलत है और वो किसी भी जांच का सामना करने को तैयार है। तो अब सवाल ये बन रहा है कि क्या शमी की पत्नी ने उन पर झूठे आरोप लगाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।